कंचन नगर की सड़क पर भरा है जमकर पानी। क्षेत्रवासियों ने पार्षद के खिलाफ किनारेबाजी, आने जाने में हो रही है परेशानी। कंचन नगर में क्षेत्र की परेशानियों को लेकर आज क्षेत्रवासियों ने जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल कंचन नगर की एक सड़क पर न जाने किसी कारणवश पानी भर गया है, जिसकी वजह से आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। पानी इतना ज्यादा है कि पैदल निकलना भी मुश्किल है, इसलिए आज क्षेत्रवासियों ने पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इस समस्या का जल्दी निस्तारण करवाने की मांग की। समस्या यहाँ पानी की है, बहुत भयंकर पानी भरा है। परसों तरसों मेरे मसूड़ों में सूजन थी, मैं डेंटल की क्लिनिक पर आया था डॉक्टर सोएब सर के, तो यहाँ पे फिसल के गिर गया, मेरे कोहनी पे भी चोट आई थी, परसों की बात है ये। और इन्होंने बताया कि एप्लीकेशन भी दे रखी है सड़कों पर, कोई सुनवाई नहीं होती है भैया। आगे नाला बंद है, डेयरी के कारण भी बंद है सर, और आने जाने वालों को आए दिन बच्चे ही फिसलते हैं, दो तीन हादसे हो चुके हैं इधर, और अंधेरा भी रहता है नाइट में। ये समस्या है, ये है कंचन नगर। आपका नाम? जी मेरा नाम रोहित पाराशर। कौन सी जगह है, क्या है? ये कंचन नगर रोड है भैया, दोराई जाता है, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है। और भैया हम पार्षद से, हम 5 साल से बोल रहे हैं, और नोगिया से भी बोला हमने, कोई सुनवाई नहीं करता है हमारी। बच्चे भी स्कूल के गिर जाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और हमारे मकानों में पानी भर रहा है, हमारे नालियों का पानी रुक गया, हमारे अंदर जा रहा है पानी, आगे पानी जाने की बहुत समस्या। डेयरी वाले जाने नहीं देते हमारे पानी को, बहुत परेशानी आ रही है। मरियत को भी नहीं निकाल सकते, इतनी पानी भरा है यहाँ पे। आपने कहाँ-कहाँ शिकायत दे दी? हमने नोगिया को दे दी, हमने पार्षद को दे दी, हमने बधेल को दे दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। 5 साल से हमारे पास में वोट लेने को आ जाते हैं, 5 साल से हम वोट दे रहे हैं उन लोगों के, लेकिन हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब क्या इसमें क्या है कि रात को भी लाइटें नहीं है तो अंधेरे में? हाँ, लाइट नहीं है भैया, बिल्कुल एक भी लेट नहीं है। लेटों की भी बोला हमने लेकिन बिल्कुल उसकी भी सुनवाई नहीं करी हमारे। तो आए दिन एक्सीडेंट होते क्या? हाँ होते हैं, एक जयपुर केस भेजा है यहाँ से हमने, उसको बिल्कुल यहाँ से हमने भेजा है, हमने यहाँ पे लाके पट्टी करी है। नाम बताइए आपका? नजमुन। अब ये किस तरह की परेशानी हुई? यहाँ पे जो नाले का पानी है आगे नहीं जा पा रहा है, उस वजह से यहाँ पे पानी भर गया है, और उसकी वजह से मेरे यहाँ पे डेंटल की दुकान है, मैं खुद डॉक्टर सोएब हूँ, BDS हूँ, और उसकी वजह से नाला आगे जाएगा तो ही इसकी समस्या का कुछ हो पाएगा। पार्षद को भी हमने लिख के दे दिया है लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, इससे काफ़ी परेशानी आ रही है। राह पे चलने वाले लड़कों या बच्चों को भी बहुत दिक्कत आ रही है। किस तरह के एक्सीडेंट होते हैं? आए दिन बच्चे गिर जाते हैं इस पानी में, और रोड पर चलने वाले या बाइक पर चलने वाले भी कई सारी परेशानी झेल रहे हैं। ये सब परेशानी इसकी वजह से ही हमने बहुत परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से। नहीं पाकी पाक ना पाकी बरोबर हो जाती है, ध्यान ही नहीं दे रहे पार्षद साहब, ध्यान ही नहीं दे रहे इस वार्ड के, तो बहुत समस्या आ रही है आम आदमी को भी। अब इसका हल क्या है? पार्षद साहब आगे कुछ लिख के हैं, उसको ज्ञापन देवे तो कुछ सुविधा हो ही है। देखो आपके सामने देखो कितनी परेशानी है, बच्चे स्कूल जाते हैं वो पानी में से निकलते हैं, हाँ किसान जाता है, हर चीज़ इधर से रास्ता है, ये आम रास्ता है। पुल बन गया ये अभी? स्विमिंग पूल क्या बन गया, तो तालाब बन गया, खानपुरे के तालाब को ही फेल कर दिया इन्होंने, इधर से इन्होंने रोक लिया, इधर से ये रुक गया, बीच में बस जाम हो गया। ये फोटो भेजो सर, ये सरकार को कुछ कार्रवाई करे, पैदल जाने वाले गरीब आदमी कैसे निकलेगा यहाँ से, या फिर यहाँ रिक्शा करें, यहाँ से वहाँ छोड़ने के भी किराए का रिक्शा लगाएं। फिर नवाजी को परेशानी, पंडित को परेशानी, सबको परेशानी, आम आदमी आम जनता को सबको परेशानी है। चीटे के पानी में से निकलना पड़ रहा है, एक बूंद लग जाए तो नापाक हो जाता है। यहाँ तो पूरे कश्ती चलाओ ना, कश्ती बनानी पड़ेगी, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है बिल्कुल। इलेक्शनों के टाइम पार्षद सारे आ जाते हैं, इलेक्शन के टाइम में आते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है। अरे हम सुनवाई नहीं कर रही है अनिता मैडम, सुनवाई नहीं कर रही है मेन तौर से तो भाजपा की, और जो भी ये करे तो अच्छी बात है, कार्यकर्ता ये सब सुने तो देखें अच्छी बात है, अगर रस्ते करे तो। नाम बताइए मेरा?